वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन से हम अपने पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, टर्बो मशीन्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो पहली इसमें हमको डिस्कस करनी है फ्लूइड कपलिंग। कपलिंग, पहले कपलिंग समझते हैं। कपलिंग क्या होता है? जो दो चीज़ों को कपल करे। और जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कपलिंग अपन लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? दो शाफ्ट को कपल करने के लिए, इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट को कपल करने के लिए अपन लोग क्या इस्तेमाल, जोड़ने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं? कपलिंग करते हैं। तो ये इनपुट शाफ्ट और ये आउटपुट शाफ्ट। तो इन दोनों को यदि अपन लोग किसी मैकेनिकल वे से, मैकेनिकल लिंकेज से कनेक्ट कर देंगे, ये कपलिंग हो गई, तो क्या होगा? दोनों के बीच में जो रोटेशनल स्पीड रहेगी वो सेम रहेगी। अपन लोग अपन चाहें कि इनपुट अपना अलग स्पीड से चले और आउटपुट अपना अलग स्पीड से चले, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैकेनिकल लिंकेज आ गया। यह फ्लेक्सिबिलिटी अपन लोग मैकेनिकल लिंकेजेस में थोड़ी बहुत अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है। तो ये हो गया अपना कपलिंग। मीन्स कपलिंग अपन ने यहाँ पे कन्वेंशनल कैसे किया? कन्वेंशनली मैकेनिकल वे से। फ्लूइड कपलिंग नाम से क्लियर है कि दो शाफ्ट की हम लोग कपलिंग कर रहे हैं, तो वो किस माध्यम से करेंगे? फ्लूइड के माध्यम से करेंगे, थ्रू फ्लूइड करेंगे। और कपल क्यों करते हैं दो शाफ्ट को? पावर ट्रांसमिट करने के लिए, एक से दूसरे के ऊपर पावर या लोड ट्रांसमिट करने के लिए, चाहे जिसके लिए भी। तो फ्लूइड कपलिंग में क्या करेंगे? ये जो कपलिंग कर रहे हैं दो शाफ्ट की, इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट की, फ्लूइड के तरीके से करेंगे। तो फ्लूइड कपलिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है? अपने इंजन से गियर बॉक्स को, यदि गियर ट्रेन को कनेक्ट करना हो, इंजन अपना क्या हो गया? इनपुट शाफ्ट जो कि ड्राइवर है, मेन ड्राइविंग एलिमेंट है, और गियर बॉक्स जो कि मेन ड्रिवन एलिमेंट है। इन दोनों को यदि अपन लोग मैकेनिकल वे से कन्वर्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो तो करते ही हैं, अभी तक जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं वो मैकेनिकली कनेक्टेड रहती हैं। लेकिन फ्लूइड कपलिंग सबसे डेवलप हुई तो एक और ऑप्शन मिल गया अपने पास, इंजन और गियर बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए फ्लूइड के माध्यम से कपल करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सेम जो लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि क्या होगा, इनपुट शाफ्ट से फ्लूइड कपलिंग में क्या होगा, दो एलिमेंट्स रहेंगे, एक इंपेलर और दूसरा क्या रहेगा, टरबाइन रहेगी, और फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी के माध्यम से फ्लूइड को हम लोग हाई काइनेटिक एनर्जी से सर्कुलेट कराएंगे, जिससे वो हाई काइनेटिक एनर्जी से जब सर्कुलेट करेगा और आउटपुट शाफ्ट की तरफ जाएगा, तो वो आउटपुट शाफ्ट को भी रोटेट कराने लगेगा। ठीक, इनपुट शाफ्ट में क्या पावर देंगे, पावर के कारण फ्लूइड हाई काइनेटिक एनर्जी से सर्कुलेट करेगा, और उस हाई काइनेटिक एनर्जी से सर्कुलेट करते करते वो कहाँ पे जाएगा, आउटपुट शाफ्ट में, फ्लूइड कपलिंग की, वो आउटपुट शाफ्ट को रोटेट कराएगा। इस तरह से अपना फ्लूइड कपलिंग का जो पर्पस था वो सॉल्व हो जाता है। एक और इसकी खास बात, इट एक्ट एज अ फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसमिटिंग कपलिंग। फ्लेक्सिबल मतलब मैं जहाँ बात कर रहा था कि आउटपुट को हमको यदि कम स्पीड में घुमाना है इनपुट से, या आउटपुट को हमें वेरिएबल स्पीड में घुमाना है, तो वो मैकेनिकल लिंकेज में उतनी लेवल ऑफ डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती थी, लेकिन फ्लूइड कपलिंग से वो डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बढ़ जाती है। तो फर्दर इसको अपन लोग इसके कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट्स और वर्किंग डिटेल में समझेंगे। आई होप इसका इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा। बेसिकली किसके लिए है? कपल करने के लिए, इनपुट ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को। मैकेनिकली इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, कनेक्शन किसके थ्रू होता है? फ्लूइड के माध्यम से। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।